ये मैं हूँ, ये हमारा घर है और ये हमारी होली हो रही है। ये और बारिश भी हो रही है, मैं अभी थोड़ी थोड़ी हो रही है, शायद दिखाई ना दे रही हूँ लेकिन। हे फैमिली, नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि मेरा पूरा यूट्यूब परिवार बहुत अच्छा है, स्वस्थ है और मस्त है। आप सब के आशीर्वाद से मैं भी ठीक हूँ और आप सबको होली की ढेरों शुभकामनाएं। और देखिए आज भगवान कितने मेहरबान हो रहे हैं, मौसम बिल्कुल ही ख़राब हो गया एकदम और बारिश भी हो रही है, मैं अभी थोड़ी थोड़ी हो रही है, शायद दिखाई ना दे रही हूँ लेकिन थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है। मैं छत पे देखने आई हूँ कि हमारा ये जो मक्का जो है हमने रखा हुआ है, ढका है कि नहीं, बारिश हो रही है। ये देखिए देखिए, पूरी पन्नी भीग गई, ढका हुआ तो है। आप सब लोग होली कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं बताइएगा जरूर। हर कोई जो होली है अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करता है, बहुत जगह बहुत अलग अलग तरीके से रीति रिवाज वगैरह होते हैं। तो मैं आपको इस ब्लॉग में सब कुछ बताने वाली हूँ कि हमारे यहाँ क्या बनता है, हम कैसे होली सेलिब्रेट करते हैं। मौसम बिल्कुल ही मौसम जो है ख़राब हो गया और ये आम के फूल आ गए, अब आम आने वाला, वो देखे छत पे कैसे ढूंढ रहे। जब होली की बात आती है तो हमारे दिमाग में आता है रंग, पोहे, पकवान, गुजिया आदि, ये सब सामान हमारे जो है दिमाग में आता है। भारत देश में बहुत ही अलग अलग जगह पे और अलग अलग तरीके से होली मनाई जाती है। माना जाता है कि इस दिन होली के रंग में हर कोई रंग देता है एक दूसरे को। उस दिन हर एक गिला शिकवा भूलकर सबको गले लगाया जाता है। कहा जाता है कि होली के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। और होली को ये भी माना जाता है कि ये प्रेम का भी प्रतीक माना जाता है। होली की बात हो और हमारे राधा कृष्ण जी की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। माना जाता है कि जब कृष्ण जी को राधा रानी चिढ़ाती थी उनके गहरे रंग को लेकर, तो कृष्ण जी को बहुत ही बुरा लगता था। वो सीधे गए अपनी मैया के पास यानी यशोदा माँ के पास और उन्होंने उनसे पूछा कि माँ, मैं इतना काला क्यों और राधा इतनी गोरी क्यों? तब उनकी माँ ने कृष्ण को इतना मायूस, इतना उदास देखकर सलाह दी कि बेटा जाओ, तुम राधा को अपने रंग में रंग दो। तो बस ये बात सुन के कृष्ण जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राधा रानी के साथ अन्य गोपियाँ सबको रंग लगाया। और कहा जाता है कि उसी दिन से हमारी होली की शुरुआत हो गई, क्योंकि वो महीना फागुन का ही चल रहा था, तो इसलिए होली को हमारा प्रेम का भी प्रतीक माना जाता है। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सब्जी, सब्जी मीन्स नॉन वेज बना रही हूँ। हमारे यहाँ होली में नॉन वेज वेज सब कुछ बनता है, जिसको जो पसंद है वो खा सकता है। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने तेल और प्याज वगैरह, गरम मसाला सब कुछ डाल के फ्राई कर लिया अच्छी तरीके से। अब मसाला डालने के बाद भी हमें कुछ देर तक फ्राई करना है। मैंने इसमें जो है लहसुन अदरक का पेस्ट ये भी डाल दिया। अब इसके हम इसको थोड़ी देर अच्छी तरीके से फ्राई होने देंगे नमक डालने के बाद। और आपने देखा कि वहाँ पे मम्मी जो है पोहे बना रही थी और अब पोहे बन चुके थे, तो यहाँ पे पूड़ी बन रही है। पूड़ी बनेगी दाल भर के, चने की दाल भर के और आलू भर के। ये पोहे, पूड़ी और जो हमारा वेज में जो भी सब्जी हम खाना चाहे वो नॉन वेज, ये सब कुछ हमारे यहाँ बनता है। बिहार में ज़्यादातर लोगों के यहाँ यही बनता है। कोई अगर झूठ में किसी को नहीं पसंद है नॉन वेज, तो ऐसा होता है बहुत जगह पे कि लोगों को नॉन वेज नहीं पसंद होता, लेकिन जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रही हूँ। हमारे घर बनता है तो मैंने बताया, मैं कुछ भी आप लोगों से छुपाना नहीं चाहती। और मेरा ब्लॉग इतना लेट आ रहा है, इतना ज़्यादा लेट, काफ़ी दिन लेट हो गए, उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा
आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से मैं चाहकर भी मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। मतलब इतनी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई जो शायद मैं सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन अगर मुझे लगा ऐसा कि अब बात जो है वो ज़्यादा हो गई है तो मैं आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या प्रॉब्लम हो गई। तो इस वजह से घर में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है, सब परेशान हैं, हम, मैं, मम्मी, पापा, हस्बैंड, सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इतनी मतलब ऐसी दिक्कत हो गई कि समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें। इस वजह से मेरा ब्लॉग बहुत लेट हो गया। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं आज डाल दूँ, पर इतना घर में कहते हैं ना कि जब कोई प्रॉब्लम हो जाए तो बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है, सो वही हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान हैं सारे। इस टाइम ना लगभग 11:30 हो रहे थे और बाहर मैंने देखा, बाहर तो मतलब मैं क्या होता, कीचड़ वाली होली हो रही है जो होती है ना कीचड़, मतलब आदमी तो समझ ही नहीं आ रही कि उन्होंने कुछ पहना है कि नहीं पहना, एकदम भूत से बने और सारे इधर उधर फिर रहे हैं। हम लोगों ने तो खिड़की दरवाजे अच्छे तरीके से बंद कर रखा है, अंदर पैक है, नहीं तो आएंगे तो हमें भी रंग देंगे सब लोग, हम घर ही में हैं। बस यही सब कहना था। और यहाँ पे मम्मी है जो पूड़ी बना रही हैं, वो आलू रखा है, दाल रखा है। तो यहाँ पे हमारी बुआ जो हैं, बुआ जी आ रखी हैं छोटी वाली, वो भी हेल्प करवा रही थी। और मैं ना उधर किचन में खाना बना रही थी, मतलब मैं किचन में सब्ज़ी बना रही थी और पीछे चूल्हे पे पुए जो है, तसले में पुए भी हैं और पूड़ी भी हैं। तो ये मम्मी पूड़ी बनाती जा रही है और हम ज़्यादा नहीं बनाएंगे क्योंकि बच जाते हैं, आज के दिन किसी का भी खाने का मन नहीं करेगा और बच जाएगा और लास्ट में क्या होता है वो खाना वेस्ट हो जाता है, फेंकना पड़ जाता है। तो इसीलिए हमने सिर्फ उतना ही बनाया था जितना खा पाए। और आप मानेंगे नहीं, अगले दिन सिर्फ 4 पूड़ी बची थी गिनती की। इतना अच्छा लगा कि खाना बिल्कुल भी नहीं बचा, नहीं तो हर साल तो इतना सारा बच जाता था, लेकिन इस बार सारे थे, बुआ जी थी, उनके बच्चे थे, सब थे। तो हम सब ने अच्छे से खाया पिया, अभी तक तो सब ठीक था। और मतलब अभी कुछ 3-4 दिन पहले ही प्रॉब्लम हो गई, ये तो काफ़ी दिन पहले का ब्लॉग है, मैंने शूट करके रखा था पर मैं डाल ही नहीं पाई। सो देखिए यहाँ पे पुआ वगैरह बन गई और होली भी हो गई, अब शाम हो गई थी। शाम को हमारे यहाँ क्या होती है, अबीर वाली होली होती है, यानी गुलाल वाली होली होती है। रंग वाली इस बार खेली नहीं हमने, और अच्छा ही हुआ कि नहीं खेली, लास्ट टाइम तो ऐसा भूत सा बना दिया था मेरे को। तो मैं मम्मी के साथ मजाक कर रही थी, मम्मी बोली है मेरे को मत लगाओ। तो अब चलते हैं पीछे, ये देखिए ये बाहर से बच्चे आ रहे थे, बच्चे ना पैरों पे रंग डालते हैं जो भी छोटा होता है। तो देखिए मैं भी यहाँ पे बुआ जी के डालूँगी और आशीर्वाद लूँगी उनसे, और यहाँ फिर फूफा जी के डालूँगी, इनसे भी आशीर्वाद लूँगी। और अब मैं सबको रंग लगाऊँगी यहाँ पे। और इतना मतलब ये फर्स्ट टाइम, जब से मेरी शादी होके आई तब से फर्स्ट टाइम पूरा परिवार है, नहीं तो लास्ट टाइम तो थे लेकिन वो सिर्फ मेरी ननद थी। तो मैंने बुआ को अच्छे से लगाया थोड़ा बहुत क्यों, बढ़िया से लगाओ तो अच्छी तरीके से लगाए, तो इसलिए सारे हंस रहे थे। और उनके भी अब सबके लगा दूँगी, अच्छी तरीके से लगानी चाहिए, भर भर के। जब हमने रंग से नहीं खेला तो हम गुलाल से ही खेलेंगे, पूरा दिन हमारा घर में ही रह गया। और ये सब कैसे मुझे भर भर के लगा रही है रंग, और मैंने भी सबको लगाया था। और ये अब बुआ जी जो हैं वो डाल रही हैं, मम्मी के भी पैरों पर रखा उन्होंने रंग, तो मैंने यहाँ पे सबके डाल दिया था। तो अब देखिए ये आरव है जो परेशान कर रहा था, छोड़ नहीं रहा था अभी, उसको भी उसको पता नहीं था कि बोलिए लास्ट टाइम बहुत छोटा था और इस टाइम इतना बड़ा है। और ये बच्चे ये सब आए थे पैरों पे रंग डालने, तो मैं इनके भी लगा रही हूँ रंग। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। ये मैं हूँ, ये हमारा घर है और ये हमारी होली हो रही है।